हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्टली जो ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम्स आती है, जो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़े से सिक्योर और सेफ रहना चाहते हैं, तो कुछ गोल्डन रूल्स हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ट्रेडर, सो मैं इन रूल्स को फॉलो करता हूँ अपने ट्रेड के अंदर भी और मार्केट के अंदर। कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ और कैसे अपने ट्रेडिंग को सेफ और सिक्योर रखा जाए, ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स हम लोग देख लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो रूल्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इन रूल्स को हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं कि गोल्डन रूल्स फॉर द ट्रेडर, यानी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, वीकली ट्रेडिंग करते हैं या फिर मंथली ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए कौन कौन से गोल्डन रूल्स होना चाहिए और आप लोगों को इन रूल्स को हमेशा अपने ट्रेड्स के अंदर फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर वन, ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ऑन योर ट्रेड, यानी आप जब भी ट्रेड लें सो मेंटेन योर रिस्क एंड मेंटेन योर रिवॉर्ड। अगर आप 15,000 रुपीज के ट्रेड ले रहे हैं रेगुलर या इंट्राडे बेसिस पर, सो आपको उस 15,000 पर एक डेली का इंट्राडे रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नथिंग, रिस्क और रिवॉर्ड आपका रिस्क हो गया आपका स्टॉप लॉस एंड रिवॉर्ड हो गया आपका टारगेट। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पर आपके लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके लॉस लेने की कैपेसिटी आप डिसाइड नहीं करेंगे तो दैट मीन्स आप ह्यूज लॉस ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलत ट्रेड ले रहे हैं। और ये ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस मेंटेन करना। टारगेट आप एक बार मेंटेन नहीं करेंगे वो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो आपको ह्यूज लॉस दे सकता है। सो ये रेशियो के अंदर होता है। रिस्क और रिवॉर्ड को भी आप रेशियो के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप 15,000 का ट्रेड ले रहे हैं तो आप रेगुलर बेसिस पर 5% या फिर 10% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। अगर इससे ज्यादा का रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस 15,000 यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट को भी लूज करना चालू कर देंगे। मोस्ट ट्रेडर इस मार्केट के अंदर पैसा गंवा देते हैं। क्यों गंवाते हैं वो? बिकॉज वो डरते हैं कहीं ना कहीं लॉस से। अगर वो चाहते हैं कि प्रॉफिट आए लेकिन वो लॉस नहीं लेना चाहते हैं। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैं जहां पर 500 रुपए का लॉस ले सकता था लेकिन आज मुझे स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से मुझे वो 1500 रुपए का लॉस लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप 500 रुपए का लॉस ले सकते हैं क्योंकि वो आपका कैपेसिटी है। अगले दिन आप वापिस से उस ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप अगले दिन एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट गोल्डन रूल है ये, ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क एंड ऑलवेज मेंटेन योर रिवॉर्ड। सेकेंड रूल नंबर जो है, गोल्डन रूल जो है इस ट्रेडिंग के लिए, दैट इज इमोशनल ट्रेडिंग। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेड लेते हैं। कोई भी हो, यह ह्यूमन मेंटेलिटी है। अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो वेट करता है कि नहीं मैं अभी रुकता हूं। उसको एक होप होती है कि मार्केट नीचे से बाउंस बैक करेगा, एक पुल बैक दिखेगा या एक रैली दिखेगी उसके अंदर, बट ऐसा नहीं होता है। हम जब भी ट्रेड लेने जाते हैं, हम लोगों ने जहां से ट्रेड इंटर किया है वहीं से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चालू हो जाता है। क्यों? बिकॉज कई गलतियां होती हैं। हम लोग स्टॉक में बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद में इमोशनल तरीके से हम लोग स्टॉक के अंदर बने रहते हैं इस होप से कि वो वापस ऊपर आएगा, बट वो ऊपर नहीं आता और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर देता है। तो ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गलती करते हैं, इमोशनल ट्रेड लेते हैं। इमोशनल हमें नहीं होना है, बी प्रोफेशनल, बी पेशेंस। आप इस मार्केट के अंदर बहुत पैसा कमाएंगे क्योंकि ये मार्केट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस और अपने कुछ स्टैंडर्ड्स आप डिसाइड करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं करेंगे। लॉस होगा लेकिन वो रेशियो के अंदर होगा और रेशियो आप खुद डिसाइड करें अपना। तो रूल नंबर सेकंड, इमोशनल ट्रेड हमें नहीं लेना है। रूल नंबर थर्ड, ग्रीडीनेस, यानी आपको लालची नहीं बनना है। अगर आपने लालच को लेकर इस मार्केट के अंदर ट्रेड लिया,
आप सोच रहे हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा इस मार्केट से, तो ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि यार मैं 10,000 रुपए लगाकर मैं अगले ही दिन इसको 20,000 में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन 10,000 रुपए भी आप गवा बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ग्रीडीनेस है, कहीं ना कहीं आप ग्रीडीनेस के थ्रू आ रहे हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ट्रेडिंग को हमें एज अ बिजनेस लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं रूल्स, एथिक्स और स्टैंडर्ड्स पर चलते हैं और हमें इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो हमेशा अपने ग्रीडीनेस को कम रखें, लालच नहीं रखना है। अगर बिना लालच के काम करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड को आप अच्छे तरीके से लेंगे और प्रोफेशनल तरीके से लेंगे। तो हमेशा ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 4 गोल्डन रूल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी क्वांटिटी को प्री डिसाइड करना होगा, यानी आप अगर 100 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं किसी भी स्टॉक की और आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए है, तो आपको उस 100 क्वांटिटी को हमेशा मेंटेन करके चलना होगा। यानी आप जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड लें तो 100 क्वांटिटी मेंटेन करें। हाँ, अगर कोई बड़ा स्टॉक है तो बड़े स्टॉक को कम कर सकते हैं, बट आपकी क्वांटिटी शुड बी मेंटेन फॉर दी मंथ, यानी आप मेंटेन करके चले। ऐसा ना करें कि आज मुझे प्रॉफिट आ रहा है, आज मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया और अगले ही दिन आपने क्वांटिटी को डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, तो ये आपके लॉस को बढ़ा देगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप 2-3 चीजें कर रहे हैं, साथ में ग्रीडीनेस भी है, इमोशनल ट्रेड भी ले रहे हैं और साथ में आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है। आप इसको एज अ बिजनेस लें, बिजनेस लेंगे तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट आपका जो है अर्निंग जनरेट होता जाएगा और एक दिन आप इसके अंदर प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड ले पाएंगे। तो रूल नंबर 4, कभी भी अपनी क्वांटिटी को सडनली एक्सपांड मत करें, मंथ वाइज मंथ करें। आप इस महीने क्वांटिटी को सेम रखें और अगले महीने से उस क्वांटिटी को फिर धीरे से बढ़ाना चालू करें, और क्वांटिटी बढ़ाएं तो प्रॉफिट और लॉस का जो आपका रेशियो होगा वो मेंटेन रहेगा, नहीं तो ऐसे में आपको ह्यूज लॉस हो सकता है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं कि मैंने आज ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है 1,000 रुपए का और मैं कल से उसको 10,000 क्वांटिटी बाय कर लेता हूं। वो सोचता है कि एक बार में ही मैं इसको कमाकर मैं बाहर हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। सेबी भी इस चीज को बोलता है कि रातों रात करोड़पति नहीं बना जा सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको ग्रीडीनेस नहीं रखना है आपको मार्केट के अंदर। तो ये 4th रूल नंबर था, बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी क्वांटिटी को मेंटेन करके चले। रूल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट गो थ्रू फॉर एन एडवाइजर। यानी इंडिया के अंदर हमारे 29,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, कंपनीज हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हैं, बट उनका काम आप अगर देखेंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी सेल्स कर रहे होते हैं। सेल्स करने के लिए वो आपको पैकेजेस देते हैं, नए नए पैकेजेस देते हैं और आपसे पैसा लेते रहते हैं, लेकिन कोई गारंटी, कोई वारंटी इस मार्केट के अंदर नहीं होती है। कोई भी आपको इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं करा सकता है जब तक कि आप उस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपका पैसा है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप अपने पैसे को किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो रूल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू ना जाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू अगर आप जाते हैं तो माइट भी आपको ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने डिसीजंस को किसी और के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। आपने अपने डिसीजन को छोड़ दिया, कोई और आपके ट्रेड जो है वो डिसाइड कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें या फिर और कोई भी एनालिसिस करें और ट्रेड खुद लें, डिसाइड करें, टाइम दें, क्योंकि जल्दी पैसा नहीं बनता है, हर चीज में टाइम लगता है, समय देना पड़ता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोफेशनल और पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये 5 गोल्डन रूल्स हो गए ट्रेडिंग के लिए, मार्केट के अंदर इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 1, आपको जो है रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो मेंटेन करके चलना है। रूल नंबर 2, आपको जो है इमोशनल ट्रेड नहीं लेना है। रूल नंबर 3, आपको क्वांटिटी मेंटेन करके चलना है। रूल नंबर 4, आपको ग्रीडीनेस नहीं रखना है, मार्केट के अंदर लालच मत करें। रूल नंबर 5, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू ना जाएं। ये 5 गोल्डन रूल्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है ट्रेडिंग का वो एनहांस होगा और आपको ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट धीरे धीरे आना चाहिए। ये देखिए हम लोगों ने ट्रेडिंग्स के लिए कुछ गोल्डन रूल्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ गोल्डन रूल्स क्या है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, आप अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं 1 साल 2 साल या 3 सालों के लिए, तो आपको क्या क्या चीजें करना है और क्या क्या चीजें नहीं करना है। तो रूल नंबर 1, ऑलवेज डू अ R&D।
यानी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा R&D करें, आप फंडामेंटल एनालिसिस करें किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर का, आप टेक्निकल एनालिसिस करें कि स्टॉक का मूवमेंट क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग एक दो दिनों के लिए नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग फॉर द फ्यूचर, और इन्वेस्टमेंट पर अगर रिटर्न ना मिले तो वो इन्वेस्टमेंट कोई काम का नहीं होता है। सो रूल नंबर 1 है इसका इन्वेस्टमेंट का कि R&D रिसर्च करें और प्रॉपरली, फिर आप अपने पैसे को किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर के अंदर आप पार्क करें, यानी फंडामेंटल रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करें तो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच आप फॉलो करें। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस क्या होती है? टॉप डाउन प्रोसेस होती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंडस्ट्री देखें, आप उस सेक्टर को देखें कि सेक्टर में पैसा लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद में कंपनी का एनालिसिस करें, क्या कंपनी है, क्या रिव्यूज है, फिर उसके बाद में कंपनीज के एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, फ्यूचरिस्टिक्स है या नहीं है, आज कंपनी ने कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ये सारी चीजों को आपको देखना बहुत जरूरी है। बॉटम अप अप्रोचेस यानी आप पहले इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में फिर आप सेक्टर एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद में आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। तो ये एनालिसिस आप बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। तो ये रूल नंबर 1, हमेशा R&D करें, रिसर्च करें और उसके बाद में फिर इन्वेस्टमेंट करें। रूल नंबर 2, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफिकेशन में करना पड़ता है, यानी आपको कहीं ना कहीं अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप अगर 1,00,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 1,00,000 रुपए को किसी एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करें, कोई भी स्टॉक आपको इतना रिटर्न नहीं देगा। आप अपने उस 1,00,000 रुपए को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है यानी आपने 20,000 के 5 स्टॉक्स इस टाइप से चूज करें और 20,000 का एक फंड उनके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया। यानी हो सकता है कुछ रिसेशन का टाइम हो तो कुछ स्टॉक परफॉर्म ना करें या अंडर परफॉर्म हो जाए, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कुछ स्टॉक्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर आपका एवरेज इन प्रॉफिट जो है वो बढ़ा दे। तो रूल नंबर 2, आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके चलना है अपने स्टॉक को। रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप उस कंपनी के डेट्स यानी उस कंपनी के ऊपर लोन कितना है या उस स्टॉक के अंदर कितने टाइप के लोन्स हैं, कैसे उसके मार्जिन्स हैं, ये सारी चीजों को देखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जितना डेट कम होगा किसी भी स्टॉक का, हो सकता है आने वाले टाइम में वो स्टॉक आपको रिटर्न काफी अच्छा देकर जा सकता है। तो चूज करें वो कंपनी जिसका डेट कम हो, क्योंकि डेट कम होगा तो आपको चांसेस ज्यादा मिलेंगे अर्निंग्स के। तो रूल नंबर 3, डेट फ्री कंपनीज ढूंढें या जिनका डेट लो है वो कंपनीज आप चूज करें। रूल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क करना चाहते हैं किसी ऐसी कंपनी में जो डिविडेंड दे, यानी कि आप अपने पैसे को पार्क करें जो आपको वापस रिटर्न बैक करता रहे। डिविडेंड आपको सालाना जो है कुछ कंपनीज डिविडेंड देती है, जो डिविडेंड मिलता है और उस डिविडेंड को आप वापस रीइन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज को इन्वॉल्व करके रखें जो आपको डिविडेंड देती है और उस डिविडेंड को फिर वापस आप रीइन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द रीइन्वेस्टमेंट, यानी कहीं ना कहीं आपको आपकी कमाई के ऊपर भी कमाई आना चालू हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ये काम करते हैं और आप भी ये काम करें कि डिविडेंड जो अगर मिल रहा है उस डिविडेंड को वापस आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड कंपनीज यही काम करती हैं। आज आप अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं, लमसम पार्क करें या फिर अपने पैसे को आप छोटे छोटे चंक्स में पार्क करें, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के साथ में और उन स्टॉक्स में पार्क करें जहां से आपको रिटर्न आ सके। और डिविडेंड एक बहुत अच्छी चीज होती है जो आपको ईयरली आपको मिलता जाता है, और स्टॉक्स पर डिविडेंड आपको डेट फ्री कंपनी देगी और ऐसी कंपनी देगी जिसके मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जिनके अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो चूज हमेशा वही कंपनी करें जिनके डेट फ्री थोड़े से कम हो। तो ये रहे आज के इन्वेस्टमेंट के रूल्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग
कैसे की जाती है और ट्रेड हमें कैसे लेना है, हम लोग इस चीज को लाइव भी देखेंगे कि किन स्टॉक्स को हमें चूज करना चाहिए और किन स्टॉक्स के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स काफी अच्छे देंगे और आने वाले समय के अंदर आपको इनके रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करें सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में, ताकि आपको रिटर्न्स आते रहे, और ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। टिल देन आप चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें डेफिनेटली।